मध्य प्रदेश में आज का दिन बेहद गौरवमयी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का शासन फिर से लौट आया है। आज कमलनाथ ने भोपाल में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके शपथ समारोह में मौजूद थे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में कमलनाथ द्वारा चुनाव लड़ा गया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अनेक रोड शो किए और उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग मौजूद भी होते थे। आज के इस शपथ समारोह में भाग लेने के लिए राहुल गांधी के साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी ने एक दूसरे के खिलाफ कई बार बेहद गंभीर आरोप लगाए, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। आज शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी ने न केवल हाथ मिलाया बल्कि थोड़ी देर तक कुछ बातें भी की। यह दृश्य बेहद ही दर्शनीय था और सभी के आकर्षण का केंद्र भी बना कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी ने सौहार्दपूर्ण तरीके से न केवल एक दूसरे से बात की बल्कि हाथ मिलाया और बहुत देर तक ठहाके भी उनके लगते रहे।